धन्यवाद सभापति महोदय। इस वित्त विधेयक 2021 पर बोलने के लिए आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। और सरकार की दिशा तय करने वाला आने वाले साल में किस तरह से प्रावधान रहेंगे उस पर यह वित्त विधेयक फोकस करता है। अलग अलग प्रावधानों के स्लैब्स क्या होंगे, टैक्सेशन सिस्टम क्या होगी और देश में रुपया किस तरह से आएगा और रुपया किस तरह से जाएगा उस पर ये बात करने वाला विधेयक है। और जिस ऐतिहासिक माहौल में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जब चरमरा गई थी, ऐसे माहौल में ये वित्त विधेयक वित्त मंत्री जी ने यहाँ पे जब सदन के सामने रखा है, तो मैं मानता हूं कि दुनिया भर की जो मजबूत अर्थव्यवस्था है, उन्होंने जिस तरह से कोरोना संकट में सामना किया, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत देश ने सभी में सबसे अच्छे तरीके से इस कोरोना संकट का सामना किया, ऐसे में आया हुआ यह वित्त विधेयक है। क्योंकि कोरोना पेंडेमिक के पहले विश्व में हमारी क्या स्थिति थी, हम क्या निर्माण करते थे। मैं अमर सिंह जी का भाषण सुन रहा था, वो 60 साल की उपलब्धियां गिनवा रहे थे अपने भाषण में, वो अपनी बात रखते रखते अपने 60 साल का इतिहास बता रहे थे कि हेल्थ व्यवस्था में हम कहाँ खड़े हैं, हेल्थ व्यवस्था में हमारी क्या हालत है। आज सवेरे बिट्टू जी एक बात कह गए कि शहीद भगत सिंह जी के बारे में उन्होंने जो कहा, हम भी उसका समर्थन करते हैं। और मुझे पता है कि आपका भरोसा हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर इसलिए है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार पटेल हो, सभी को सम्मान देने का काम सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इसलिए जब अमर सिंह जी 60 साल की गाथा गा रहे थे कि हेल्थ व्यवस्था के अंदर भारत देश इतना पिछड़ा हुआ है, अस्पताल बंद हो गए, अस्पताल बंद करके लोग चले गए, बात सही है उनकी, क्योंकि राज्य में हेल्थ व्यवस्था संभालना राज्य का काम है और पंजाब में ऐसा हुआ, ये उन्होंने खुद ही यहाँ पे कबूल किया है। बात जिस तरह से मैं रख रहा हूँ कि हेल्थ व्यवस्था के अंदर हो, बाकी सारी बातें हो, 60 साल में जो गाथाएं आपने गाई अपने विकास की, उसके सामने 6 साल के मोदी जी के विकास के कारण क्या निर्माण हुआ व्यवस्था में, तो 1 साल के अंदर। और मैं अपेक्षा कर रहा था कि अपने अपने राज्य की जब बात यहाँ पे वक्ता कहते हैं, अपने अपने पार्टी की, भले आपके राज्य में सरकार हो, लेकिन मोदी जी के माध्यम से केंद्र सरकार ने जो पीपीई किट से लगाकर, वेंटिलेटर से लगाकर आपको जो सहायता मुहैया कराई, उसके बारे में कम से कम धन्यवाद तो आप बोल सकते थे। ये भी नहीं कहा आपने, बात जब अपने राज्य की करते, अपने अधिकार की करते, तो पीएम केयर माध्यम से जो वेंटिलेटर आपको दिए गए, कम से कम उसका धन्यवाद तो आप बोल सकते थे अपने वक्ता जब अपनी बात को रखते। और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि 2 क्वार्टर के अंदर जब नेगेटिव ग्रोथ था तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी बाउंस बैक करेगी, ऐसा उन्होंने कहा। उनका वित्त विभाग में अभ्यास मुझसे अच्छा होगा, लेकिन मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के और वित्त मंत्री जी ने जिस तरह से 1 साल के अंदर आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेस जाहिर किए और जो वित्त व्यवस्था को गति देने का काम किया, ये उसी का परिणाम स्वरूप है कि आज भी विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा रही है, लड़खड़ा रही है, लेकिन हमारा भारत फिर उठ खड़ा हुआ है और वो उस दिशा में कदम रख रहा है जहां पे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बातें कर सके। क्योंकि मूडीज का एक रिपोर्ट है 2021 में केवल हिंदुस्तान ही ऐसी एक अर्थव्यवस्था है जिसका GDP डबल डिजिट में ग्रोथ करेगा, ये रिपोर्ट आपने पढ़ना चाहिए। और ये रिपोर्ट में ऐसा भी लिखा है कि कोरोना पेंडेमिक में सेकेंड स्पाइक के अंदर भी सबसे अच्छे तरीके से अगर किस देश ने इसका सामना किया है, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान ने इसका सामना किया है। और इसके साथ साथ ये भी बात कही गई है हमारे टीकाकरण के बारे में कि वैक्सीनेशन पूरे विश्व में, जब वैक्सीन मैत्री की बात चलती है, तो भारत इसमें अग्रसर है। भारत अपनी बात को रखने में इसलिए कामयाब हुआ है कि देश विश्व में कई ऐसे देश है जिनको वैक्सीन की आवश्यकता होते हुए न केवल भारत ने, लोकल उपभोक्ता ने, जो हमारे पेशेंट है उनको वैक्सीन दिया है, लेकिन विश्व भर के छोटे देशों को भी वैक्सीन देने के, मानवता के काम में भी भारत ने अग्रसर कदम उठाया है। और यही सब बातें साबित करती है कि जब हम बात करते हैं
इस कोरोना पीरियड के अंदर मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री जी डिजिटल इंडिया की बात करते थे तो इंटरनेट कहाँ होगा, टेलीफोन लाइनें नहीं है, गांव में किस तरह से ये सब व्यवस्थाएं होगी, ऐसी बातों के ऊपर विपक्ष ताने कसता था। लेकिन मुझे याद है कि जब ये आत्मनिर्भर भारत के पैकेजेस वित्त मंत्री जी ने जाहिर किए और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से गरीबों के जनधन अकाउंट में जब पैसे डाले गए, तब ये बात का विश्वास विपक्ष को भी हुआ, क्योंकि एक भी विपक्ष का सदस्य इस बात को नकारता नहीं है कि डीबीटी के माध्यम से हमारे राज्य में गरीबों के अकाउंट में पैसे नहीं आए, ऐसे किसी विपक्ष के सदस्य ने यहां पे नहीं कहा है। मैं मानता हूं कि देश के अर्थव्यवस्था के अंदर डीबीटी के माध्यम से पैसे पहुंचाने का काम इस कोरोना पीरियड में जिस तरह से हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय कक्षा में कभी अभ्यास होगा इस कोरोना पैंडेमिक का सामना भारत ने किस तरह से किया, तो भारत की प्रशंसा इस बात के लिए की जाएगी कि कम से कम डीबीटी के माध्यम से गरीबों के चूल्हा जलाने का काम किया। क्योंकि आपके लिए धन कुबेरों की सेवा करना या खुद धन कुबेर बनना ये आपका कर्तव्य हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, ये पंडित दीनदयाल जी के अंत्योदय के माध्यम से चलने वाली सरकार, वो विचार से प्रेरित होने वाली सरकार है जो दरिद्र नारायण के घर में चूल्हा कैसे जलेगा उसकी चिंता करने का काम करने वाली सरकार है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम इस सरकार ने किया। मैं अपेक्षा करता था कि किसी राज्य के नुमाइंदे इस बात को भी बोलते कि प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने जो फूड फॉर ऑल, इसके माध्यम से 80 करोड़ लोगों के घर में मुफ्त में राशन देने का काम भी इस कोरोना पीरियड में किया, लेकिन आप उस पर कुछ नहीं बोले। मैं ये भी समझता हूं कि जो बात जिस तरह से चली उस बात के अंदर इस कोरोना पैंडेमिक के दरमियान आए हुए सभी चीजों के ऊपर, डिजिटल इंडिया हो, वेंटिलेटर के माध्यम से हो, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर शब्द तो ऐसे बना कि इस साल ऑक्सफर्ड की हिंदी डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर बना। आत्मनिर्भर शब्द को इस तरह से महत्व मिला। वोकल फॉर लोकल की बात है, टैक्सेशन और कस्टम्स के स्लैब्स की यहाँ पे बात चल रही थी, सदन में कोई सदस्य इसके बारे में भी कह रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने यह दिशा तय की है कि वोकल फॉर लोकल, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है इनके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की कस्टम ड्यूटी लगाना जायज समझा, और इसीलिए ये स्लैब में कस्टम ड्यूटियां जहां जहां बढ़ाई गई है हम उनका स्वागत करते हैं। कि जिस हिसाब से एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, जिस हिसाब से इन सभी बातों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग माध्यम से सरकार ने प्रयत्न किया है, ये प्रयत्न हमारे आपके सामने है कि जिस तरह के प्रयत्नों में भारत की सरकार और हमारे वित्त मंत्री यशस्वी हुए, कि जिस हिसाब से इस कोरोना पैंडेमिक के बाद वित्त विधेयक को लाया गया, इस वित्त विधेयक में बहुत सारी बातें अच्छी है। आप देखेंगे कि इनकम टैक्स के अंदर जिस तरह के टैक्स प्रावधान है इसके बदलाव भी आपको दिखे होंगे। सरकार समर्पित है, करदाताओं का सम्मान करना जानती है, और इसीलिए कम्युनिकेशन के जमाने में अब SMS के माध्यम से हो या इंटरनेट के माध्यम से हो, अच्छे तरीके से करदाताओं का सम्मान और उनको करदाताओं को अपने रिटर्न फाइल करने में सहूलियत देने का काम भी इस सरकार ने किया है। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूँ और पूरे भारत भर के टैक्स पेयर के वती से प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करता हूँ कि जिस तरह से रिफंड इस कोरोना पैंडेमिक में भी जितने फास्ट और अच्छे तरीके से रिफंड दिए गए, उन रिफंडों की भी आप जानकारी ले ले तो इनकम टैक्स विभाग ने जैसे रिफंड लोगों को दिए है ये पैंडेमिक में अपेक्षित नहीं था, फिर भी सरकार ने उस तरह का काम किया है। अब कुछ वित्त विधेयक में कुछ सारी चर्चाएं, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन हो या रेगुलर जिनकी प्रैक्टिस है उनके द्वारा जो जो बातें कही गई है, मैं उनको वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस तरह से रिफंड तो काफी हमने दिए हुए, लेकिन इंटीग्रेटेड बैंक अकाउंट के रिफंड्स के बारे में भी वित्त मंत्री जी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि अलग अलग बैंकों में अकाउंट होना और एक बैंक में अकाउंट होना ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला मामला रिफंड्स में है, तो आप जरा उस पर भी गौर कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारी बैंकें अब मर्ज हुई है तो अलग अलग अकाउंट में असेसमेंट ईयर में किसी एक बैंक का दूसरे बैंक के साथ मर्ज होने के कारण थोड़े रिफंड्स के इश्यू आ रहे हैं,
तो आप अपने अधिकारियों को उस हिसाब की सूचना करेंगे जिनके कारण ये रिफंड अच्छे तरीके से हम पहुंचा पाए। टैक्स ऑडिट की टर्नओवर लिमिट है 2 करोड़ से 10 करोड़ तक की बढ़ाई गई सेक्शन 44AD के अंतर्गत। टैक्स अभी भी इसमें प्रिजम्प्टिव टैक्स जो है वो 2 करोड़ तक रहता है, तो छोटे जो बिजनेसमैन है इनको मदद करने के लिए या तो टर्नओवर लिमिट को 10 करोड़ तक बढ़ाया जाए जिसके कारण उनको राहत मिल सकती है। हमने TDS तो इंट्रोड्यूस किया, लेकिन उसके साथ साथ 194Q में TCS का भी प्रावधान किया। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी इसके बारे में बताया, तो आप इस पर थोड़ी क्लैरिटी कर दें कि जो टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है TCS और TDS ये डबल तो नहीं लगेगा ऐसी उद्योगों को आशंका है, तो इसके बारे में भी आप थोड़ा प्रावधान करें। 2 मिनट। LLP और पार्टनरशिप फर्म में रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स, बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो नहीं बना सकते उनको 15% और LLP को 34% टैक्स लगता है, तो छोटे जो बिजनेसमैन है इनकी मदद करने के लिए इसका गैप रिड्यूस करने का थोड़ा गौर करें इस पर। रिफंड और रेक्टिफिकेशन डिमांड ये जिस तरह से बढ़ी है, दूसरा जो फेसलेस असेसमेंट है इसके ऑर्डर तो फास्ट आ जाते हैं जिसके कारण विवाद से विश्वास तक के स्कीम के अंदर फॉर्म 4 और 5 को नीचे जल्द से जल्द अधिकारी इश्यू करें, उसका भी आप प्रावधान करें। 206AB में हायर रेट ऑफ TDS है जो डिडक्ट होने के बाद आपने रिटर्न नहीं फाइल किया हुआ, इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है कि उसको रिकॉर्ड ज़्यादा रखना पड़ता है, इसमें सहूलियत करने के लिए आप कुछ प्रावधान करें। इन सभी मुद्दों के ऊपर आप ध्यान देते हुए हमारी सरकार समर्पित सरकार है, जो नागरिक टैक्स प्रावधान के अंदर अच्छे तरीके से टैक्स भरता है उसको सम्मान करना, उसको सहूलियत देना और बाकी गरीबों के लिए कल्याणकारी योजना लाना। कल मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारी सरकार ये स्कीम्स की सरकार है और विपक्ष की सरकार है ये स्कैम्स की सरकार है। हम पूरा 1 रुपया खर्चा करते हैं वो 1 रुपया गरीबों के अकाउंट में डाल के भेजते हैं, जबकि विपक्ष के ज़माने में स्वयं उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि 1 रुपये का प्रावधान करते और 15 पैसे मिलते हैं। तो हम भारतवासी आभारी हमारे प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का कि आपने इस पेंडेमिक के समय में पूरे देश को संभाला, न केवल संभाला लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ के तरफ आप पूरे देश को ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।